हरे कृष्णा देवकी के लड्डू चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग है एक कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट कुक किया जाए, तो मैं कुक कर रही हूँ फ्रैंकी या रैप। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे फ्रैंकी के अंदर स्टफिंग करने के लिए, वो है टमाटर। तो मैंने दो मीडियम साइज टमाटर चॉप कर लिए बारीक। फिर ग्रीन कैप्सिकम मैंने वो दो लिए हैं छोटे छोटे, उनको भी मैंने बहुत फाइन बारीक बारीक काट चॉप किया हुआ है चॉपर बोर्ड से। और कैबेज, अगर आपके पास लाल और येलो कैप्सिकम हो तो आप उसको भी सेम चॉप कर सकते हैं बारीक बारीक। और उसके साथ साथ आप स्क्वायर शेप में मीडियम साइज पनीर को भी कट कर लीजिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, फिर है ये ऑरेगानो, उसके साथ साथ मेयोनीज और टोमेटो केचप। तो मैं ये टोमेटो केचप यूज़ करने वाली हूँ, और ये है एगलेस मेयोनीज। तो ये मैं रैपिंग के अंदर जो मुझे फिलिंग करना है वो बनाने वाली हूँ। और आपको चाहिए होगा थोड़ा सा काली मिर्ची, अगर आप काली मिर्ची डालना चाहें, सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार, और गरम मसाला। मैं ये सब जो प्रिपरेशन करूँगी वो मैं देसी घी में प्रिपेयर करूँगी। और इस सब के साथ मैंने एक डो तैयार किया है मैदे का, जिसकी मैं रोटियाँ बनाने वाली हूँ। तो आइए फटाफट से मैं पहले सारी रोटी प्रिपेयर कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैं चपातीज बना चुकी हूँ और अब मैं तवा रख चुकी हूँ, पहले मैं चिमनी ऑन कर दूँ और अब हम फटाफट से चपातियाँ सेक कर और फिर मैं आपको रैप का फटाफट से फिलिंग करूँगी। तो मैंने फर्स्ट चपाती डाल दी है तवे पर और देखिए धीरे धीरे हम उसे अच्छे से सिकने देंगे और झटपट से सारी चपातीज रेडी कर देते हैं। मैंने साइड में कैसरोल रेडी रखा हुआ है, तो मैं चपातीज निकाल कर और कैसरोल में रख कर ठंडी जाऊँगी ताकि चपाती जो है ठंडी ना हो। तो देखिए जो हमारे रैप की चपातीज हैं वो रेडी हो गई हैं और भी चपातीज रेडी कर रही हूँ। मैंने ये जो चपाती बनाई है वो इंस्टेंट मैदा लगा के बनाई है। तो आप 3 कप मैदा ले सकते हैं, उसमें जो है आप नमक स्वाद अनुसार डालें और 1/4 ग्लास पानी में आप जो नीनो का साशे आता है तो उसको आधे घोल कर और उससे आप अपना मैदे का आटा लगा सकते हैं। तो वो बहुत इंस्टेंट है और बहुत ही फ्लफी, उससे रोटियां भी आप देख रहे हैं मेरी बनी है। और अगर आपको भटूरे भी कभी इंस्टेंटली प्लान हो बनाने का तो आप ऐसे ही बना सकते हो। तो मैंने मीडियम साइज़ में पनीर को काट कर लिया है और मेरे या तो आईडी का ही पनीर हम लोग प्रेफर करते हैं या फिर जैन डेरी। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं थी, बट जो मेरे घर में टेस्ट सब प्रेफर करते हैं वो इन्हीं दो पनीर करते हैं। तो मैंने 2 चम्मच घी लिया है। अब मैंने इसमें अभी जो टमाटर कट किए हैं वो ले लिए हैं और अब हम टमाटरों को सॉटे करेंगे। तो आप देखेंगे जो मेरे टमाटर्स हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं और अब मैं नेक्स्ट डालूंगी इसमें कैप्सिकम। तो आप देखिए मैं इसमें डाल चुकी हूँ कैप्सिकम और हमें कॉन्स्टेंटली इसको चलाते रहना है ताकि जो पैन है या जो आपका बर्तन है उसमें आपके वेजीज ना लगे।
मेरी जितनी भी वेजीज थे मैंने वो सब ऐड कर दिए हैं, और अब मैं इनको जब तक मैशी नहीं हो जाएगी तो मीडियम और लो फ्लेम पर इनको पकाती रहूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो वेजीज जो है वो मैशी हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं पनीर। आप इस प्रिपरेशन को देसी घी में भी कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बटर में भी यूज़ बना सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप तीनों में से यूज़ करें वो अच्छी क्वांटिटी में हो ताकि पैन में ये वेजिटेबल्स लगे ना। तो अब मैंने जो पनीर है वो भी इसमें डाल दिया है। अब हम बहुत हल्के हाथ से इसको चलाएंगे ताकि पनीर जो है वो टूटे ना, और हमें पनीर को तब तक इस मिक्सचर के साथ चलाते रहना जब तक कि स्लाइटली अपना कच्चा पन ना खो दे और थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। तो अब हम फिलिंग में डालेंगे, फ्लेक्स ऑर्गेनो, काली मिर्ची और सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। हमारा फिलिंग हो गया है रेडी, तो अब हम इसे 1 से 2 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे, और उसके बाद जो हमने अपनी चपातीज रेडी करी है उसमें स्टफिंग भरकर, और आप चाहें तो तवे पर थोड़ी सी चपाती को फिर से गर्म करके टोमेटो सॉस के साथ या आप जिसके साथ खाना पसंद करें आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने चपाती ली है, उसको सेंटर में ये फिलिंग डाली है। आप फिलिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसको रोल बनाकर केचप के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये था मेरा देसी स्टाइल में फ्रैंकिया रैप की रेसिपी। तो ये हमारा रैप रेडी हो गया। तो ये था हमारा आज एक कुकिंग ब्लॉग। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।